नमस्कार साथियों, अभी आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। हालांकि ये वीडियो मैं अभी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल शायद ये वीडियो होगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अभी एक शुरुआत की है, करने की कोशिश कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग अमेजन में एक अकाउंट मैंने ओपन किया है, तो प्लीज़ नीचे लिंक डाल दूंगा। अगर आप दीपावली फेस्टिवल सीजन में कुछ सामान शॉपिंग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ, वहीं से कर लें, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हो जाएगी, मेरा ये अफिलिएट मार्केट अकाउंट है स्टार्ट हो जाएगा। इस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें सब बातें मैं क्लियर करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे, ये टॉपिक थोड़ा अलग ही रहेगा। हालांकि मैं हर बार नए टॉपिक ही लेके आता हूं, क्योंकि भैया अपने को अर्जेंटली तो करनी नहीं है। काफ़ी सारे अर्जेंट बोलते भी हैं, काफ़ी सारे कॉल भी आते हैं, उन पर अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा। एजेंट मेरे बारे में क्या राय रखते हैं मुझे धीरे धीरे इनडायरेक्टली डायरेक्टली पता लगता है, तो वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ठीक है साथियों, तो शुरुआत आज अपन करेंगे साथियों कि क्या आप विदेश में जॉब जाना चाहते हैं, या जॉब से रिलेटेड आप अच्छा कोई रोजगार देखना चाहते हैं, या फिर इंडिया में आप जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपको काम नहीं आता, कोई भी काम नहीं आता, आप बिना काम के हो, मतलब हाथ का कारीगर मान लीजिए, कोई भी सेक्टर में आपको जॉब नहीं आता, हेल्पर में आप इंटरेस्टेड भी रखते हो क्योंकि काम नहीं आएगा तो हेल्पर में जाओगे, भैया हेल्पर की कितनी वैल्यू होती है वो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। भाई हेल्पर का क्या है, हेल्पर का मतलब नीचे नीचे वाली कैटेगरी का जॉब होता है ना, उसको हेल्पर बोलते हैं। तो यार क्यों नहीं, अगर आप कुछ काम सीख के जाएं, कुछ सजेशन मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ 18-20 जॉब हैं इनके बारे में बताऊंगा। अगर यार कुछ हेल्पर में जाने के बजाय तो इन जॉब में चले जाओ, सीख लो थोड़ा, इंडिया में रह के काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भैया सीख लो, सीख के जाओ, हाथ के कारीगर बन के जाओ ना, ताकि इज्जत हो आपकी। मान लीजिए अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं, आपको काम नहीं आता, तो कुछ जॉब ऐसे हैं जिनको आप इंडिया में सीख के डिप्लोमा लेके आप जाते हो तो आपका बेहतर, आपकी सैलरी वगैरह हो सकती है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अगर आप जॉब विदेश में जॉब रिलेटेड कोई जॉब में जाना चाहते हैं तो कौन सा जॉब आप सीख के जाएं जिसमें आपको अच्छी सैलरी, रहना खाना आपका मिल जाए, तो कौन कौन से काम सीख के जाएं तो मैं आपको डिटेल से बता दूं साथियों। ठीक है, पहला काम, जो पढ़े लिखे हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा लेके जा सकते हैं, इनकी वैकेंसी भी आती रहती है। ठीक है, ड्राइवर से रिलेटेड होता है, ड्राइवरी सीख के जाए, लाइसेंस बनवा के जाए, इनमें अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। सेफ्टी फायर का कोर्स होता है जो, वो भी उसकी अच्छी मांग होती है। लैंड सर्वेयर की होती है, रोड वाला जो जॉब होता है उसकी भी अच्छी सैलरी, वहाँ पे 2-3 हज़ार रियाल वो लोग कमाते हैं, धराम कमाते हैं। क्रेन ऑपरेटर का अच्छा काम आता है, लोडर वगैरह, रिगर वगैरह, ये भी जॉब आप सीख के जा सकते हैं। पाइप फिटर का काम सीख लो ना यार, पाइप फिटर का काम भी सीख सकते हैं। वेल्डर 3G 4G 6G अच्छी सैलरी होती है वेल्डर में। प्लम्बर का काम आप सीख के जा सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम आप सीख के जा सकते हैं, कारपेंटर का काम आप सीख के जा सकते हैं, केबल वायरिंग का काम सीख के जा सकते हैं, पेंटर का काम आप सीख के जा सकते हैं, सेटरिंग कारपेंटर, फर्नीचर कारपेंटर, टाइल मेसन, प्लास्टर मेसन, ब्लॉक मेसन, कारीगर, यानी ये जॉब भी आप सीख के जा सकते हैं। अगर बिल्कुल ही आप अनाड़ी तरीके से हैं तो ये काम सीख लीजिए, इसमें भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। एसी टेक्नीशियन का काम सीख लीजिए, फेब्रिकेटर का काम आप सीख ले सकते हैं, एल्यूमिनियम वाला काम, डकमैन का काम आप सीख सकते हैं, पीओपी जो छतों पे होती है उसकी भी बहुत अच्छी स्किल होती है, लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। स्कोप होल्डर का आप काम सीख के जा सकते हैं, यानी ये 20 काम ऐसे हैं जो बिल्कुल और तरीके से जाने से तो अच्छा है यार, काम सीख के जाओ ताकि आपको अच्छी सैलरी मिल जाए। अगर आप ये काम सीख के जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, शुरुआत में बता दूं, किसी दूसरे लोगों से आपको हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये काम आपको आते हैं तो आपको किसी भी काम में दूसरे लोगों की हेल्प नहीं करनी पड़ेगी, आप घर पर भी ये काम कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, विदेश में भी आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप विदेश में जाके ये काम करें, भाई इंडिया में भी ये काम कर सकते हैं, इंडिया में भी अच्छी स्कोप है, अच्छा पैसा, हालांकि उतना नहीं मिलता लेकिन फिर भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जॉब आपको मिल सकती है हेल्पर की बजाय। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें बात बता दूं साथियों, आपकी इज्जत भी होगी, हाथ के कारीगर बन जाओगे। भैया हाथ के जो कारीगर होते हैं उनकी इज्जत होती है, आप आस पड़ोस में अपने माहौल में जाके थोड़ा देखना, जो कारीगर होती है उनके अपने को 3 चक्कर काटने पड़ते हैं, भाई हमारा काम कर दो, वो बोलता है आज टाइम नहीं है, 2 दिन बाद 10 दिन बाद करेंगे। ठीक है, समय के हिसाब से आपका अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो कंपनियां भी सैलरी बढ़ाती हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, हेल्पर की सैलरी नहीं बढ़ती, ट्रेड में जाओगे तो अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, ट्रेड में सैलरी भी बढ़ती रहती है। अनुभव के आधार पे प्रमोशन भी मिलता है, पद भी मिलता है, सामान भी मिलता है, ठीक है, पैसा सब कुछ आपको मिल जाता है, जॉब भी जल्दी मिलती है। अगर आप हाथ के कारीगर हो, कहीं पर भी इंटरव्यू आ रहा है तो आपको तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको काम आता, आप इंटरव्यू में पास हो जाओगे हेल्पर की बजाय। हेल्पर में इतनी आसानी से जॉब कम मिलती है और इतना सैलरी भी कम मिलती है। ठीक है साथियों,
अगर आप अच्छा पैसा कमाते हो तो आपके परिवार ढंग से चलेगा, घर मकान ब्याह शादी बच्चों की पढ़ाई बच्चों की परवरिश भी अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। हेल्पर में आप 5,000 कमाओगे तो ट्रेड में आप 10,000-15,000 यानी 2 से 3 गुना आप ज़्यादा कमा सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं, आपको काम नहीं आता, ये काम सीख के इंडिया में काम करना चाहते हैं या विदेश में काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं आता, तो इसका मैं एक आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ। हालांकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप तो एजेंट बन जाओगे, भैया एजेंटी का काम मैं नहीं करना चाहता, नहीं मुझे ये पसंद है। हाँ, ये काम मैं जरूर इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों का भी फायदा, मेरे से मुझे इतना फायदा नहीं जितना आपको हो सकता है, मैं सिर्फ एक प्लान सोचा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके सामने ये रखूंगा। ठीक है साथियों, तो मैं बता दूं आपको कि एक प्लान ये है कि अगर आपके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक ट्रेड सेंटर खोला जाए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो ट्रेड सेंटर होते हैं जहाँ पे काम सिखाए जाते हैं, जो ऊपर मैंने काम बताए वो टोटल काम सिखाए जाते हैं, ठीक है, उसका 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, ठीक है, बदले में आपको डिप्लोमा दिया जाता है, वो डिप्लोमा वैलिड होता है इंडिया में भी बाहर भी कहीं पर भी आप जाओगे तो डिप्लोमा दिखा के आप कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकता है, उनको पता लगता है भाई बंदे को काम आता है या इंटरव्यू में आप पास हो सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा वो इंडिया में भी चलेगा बाहर भी चलेगा। दूसरी बात की 100% जॉब की गारंटी भी रहेगी। अगर डिप्लोमा कई बार देखते नहीं होर्डिंग लगे हो कंप्यूटर कोर्स करें 100% जॉब पाए, ऐसा इसमें भी होता है क्योंकि काम सीख के जाओगे, अलग अलग मैन पावर होते हैं सबके पास, तो उनके पास वैकेंसी आती रहती है, उनसे कॉन्टेक्ट करके इंटरव्यू देके पास हो जाओगे तो आराम से आपको जॉब विदेशों में भी मिल जाएगा, इंडिया में भी मिल जाता। अगर आप एग्री होते हो तो ये शुरुआत मैं करना चाहता हूँ। शुरुआत का मतलब क्या होता है, ट्रेड सेंटर, ठीक है, जो ऊपर बताए गए काम आपको सिखाए जाएंगे, इनका कोर्स होगा अलग से, खर्चा जो आपका लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट द्वारा एडेड होगा, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करेंगे कि कम से कम मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाला था दुबई से रिलेटेड, 6 लाख लोगों ने देखा, उस पर 11,000 लाइक आए। अगर इस पर कम से कम 10,000 लाइक आते हैं, या लाइक का मतलब आप लोग पसंद करते हो, तो इसको अपन शुरुआत करते हैं भैया। 10,000 लाइक तब आएंगे, 3-4-5 महीने लग जाएंगे, तब जाके इसके बारे में अपन सोचेंगे कि अपने कोई काम करना नहीं करता। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए। उसके बाद 10,000 लाइक जब हो जाएंगे अपने वीडियो पे, तब अपन फाइनल करेंगे कि ये काम अपने को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वही बात है, मैंने मेरे विचार रखे हैं, आपको कैसा लगे लाइक और डिसलाइक करके जरूर मुझे बताइएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसमें अपन शुरुआत करेंगे, ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि लगभग 70% लोग लेबर में जाते हैं क्योंकि उनको काम नहीं आता, और लेबर में भैया आपको पता है तो गलत में क्या तनख्वाह मिलती है, 700-800-15,000 रुपये। अगर वही ट्रेड हो जाता है तो सैलरी से डबल ट्रिपल हो जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने मेरे विचार रखे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब साथ में जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नित रोज नए टॉपिक पे जो वीडियो डालता हूँ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अपनी राय जरूर दें लाइक और डिसलाइक।